बिना इंटरनेट के आपके मोबाइल के ऊपर डायरेक्ट वीडियो चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा, क्योंकि जब बिना तार के आपके मोबाइल से बात हो सकता है तो बिना इंटरनेट के आपके मोबाइल के ऊपर वीडियो चलना आपको असंभव नहीं लगना चाहिए। क्योंकि ये कैसे पॉसिबल हुआ? टेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो टेक्नोलॉजी से कुछ भी संभव है, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपके मोबाइल के ऊपर चलेगा बिना इंटरनेट का वीडियो, डायरेक्ट आपके मोबाइल के ऊपर चलेगा, और ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। और मैं ये वीडियो इसी तरह से नहीं बना रहा हूँ, आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। तो चलिए पहले इसको प्रूफ देखते हैं कि कहाँ पे ये न्यूज है और कैसे ये चलेगा, इसके बारे में आपको पहले दिखाते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये द इंडियन एक्सप्रेस का भी ये न्यूज है। आप देख रहे होंगे कि व्हाट इज D2M टेक्नोलॉजी एंड हाउ कुड इट चेंज योर मोबाइल बिहेवियर, यानी कि ये कैसे ये टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल जो यूज करते हैं बिहेवियर को कैसे चेंज करने वाला है। इस न्यूज के अंदर आपको पूरी जानकारी भी मिल जाएगी, आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए हम आपको मेन पॉइंट बताते हैं कि क्या है ये टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी के क्या फायदे हैं और कैसे ये आपको इस्तेमाल करना होगा। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देते हैं। है ये टेक्नोलॉजी, ये सारी जानकारी देखने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना चाहिए। तो देखिए, ये है D2M टेक्नोलॉजी, ये इसका नाम दिया गया है D2M टेक्नोलॉजी, यानी कि D2M का मतलब है डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि अब जो ब्रॉडकास्ट होगा, जैसे टीवी ब्रॉडकास्ट होता है, टीवी चैनल वाले जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो अब उसी तरह से आपके मोबाइल के ऊपर ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, यानी कि जितने भी स्मार्टफोन यूजर होंगे उन सारे यूजर्स के पास ये डायरेक्ट उनके मोबाइल फोन के ऊपर ये ब्रॉडकास्ट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसा है ये टेक्नोलॉजी, क्या कर रहा है ये टेक्नोलॉजी। तो देखिए, यहां पे जैसे आपको दिख रहा है कि कोई भी अगर टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क करना है, आपको कुछ भी नया चीज करना है, तो आपको परमिशन लेना पड़ता है द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसको डॉट बोलते हैं, इंडिया का डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट ही अप्रूव करता है कुछ भी नया टेक्नोलॉजी या कुछ भी काम करने के लिए। तो अभी जो हमारे देश के अंदर है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, ये प्रसार भारती है, जो इसका टीवी चैनल है, इस पे अपना जो भी प्रोग्राम होता है ये प्रोग्राम को रिले करते हैं, प्रसार करते हैं, यानी कि ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो अब इन्होंने ही अप्रोच किया है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को, डॉट को, और ये टेक्नोलॉजी को लाने के लिए। तो अब ये टेक्नोलॉजी कैसे ला रहे हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कि आपके सामने आ गया, सबसे पहले कि सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता के बिना वीडियो और मल्टीमीडिया सामग्री अन्य रूपों को सीधा मोबाइल फोन पर प्रसारित किया जाएगा, यानी कि सक्रिय बिना एक्टिव इंटरनेट, आपके पास कोई इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा, कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखिए साफ लिखा, आवश्यकता के बिना वीडियो और मल्टीमीडिया सामग्री अन्य रूप से सीधे मोबाइल फोन पर प्रसारित होगी, ब्रॉडकास्ट होगी। ठीक है, ये कौन कह रहा है? प्रसार भारती कह रहा है, जो टेक्नोलॉजी को ला रहा है। इसके बाद इसके आगे देखते हैं कि क्या कहना है इनका। देखिए, इस टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि डायरेक्ट आपके मोबाइल के ऊपर सीधा ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ठीक है, यह उसी तरह होगा। अब ये कैसे होगा? यह उसी तरह होगा जैसे लोग अपने फोन पर FM रेडियो सुनते हैं। आपके फोन के अंदर FM रेडियो होगा, आप कोई क्या इंटरनेट यूज करते हैं FM चलाने के लिए? नहीं करते हैं ना, आप डायरेक्ट FM
अगर सुनना है तो आप एफएम के ऊपर जाकर के उस फ्रीक्वेंसी पे ट्विन कर देते हैं और उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी प्रोग्राम गाना चलते रहता वो सारा प्रोग्राम आप आसानी से सुनते हैं बिना इंटरनेट के। तो ये भी टेक्नोलॉजी वैसे ही है, जहां फोन के भीतर एक रिसीवर रेडियो फ्रीक्वेंसी में टैप कर सकता है, यानी कि आपके जो फोन रहता है उसमें एक रिसीवर रहता है और उसी रिसीवर में वो फ्रीक्वेंसी को ट्विन कर देते हैं, टैप कर देते हैं और वो उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी प्रोग्राम गाने का चलते रहता है वो आप बड़ा आसानी से सुनते हैं बिना इंटरनेट के। तो इसी तरह से एकदम एग्जैक्टली सेम होगा ये टेक्नोलॉजी और वो फ्रीक्वेंसी पे आपको डायरेक्ट वीडियो मिलेगा और सारी चीजें मल्टीमीडिया की वीडियो मिलेंगी जहां आप उसको देख पाएंगे बिना इंटरनेट कनेक्शन के। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। अब देखिए इसका उपयोग जो है मोबाइल फोन पे लाइव समाचार, इसका इस्तेमाल कहां होगा, तो ये लाइव समाचार खेल आदि प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है। स्पोर्ट्स वगैरह जो गेम वगैरह चलते रहता है, क्रिकेट वगैरह चलता रहता है या समाचार वगैरह, ये सारी चीजें डायरेक्ट आपके मोबाइल पे ब्रॉडकास्ट होके आएंगी, डायरेक्ट आपको न्यूज मिलेगा, डायरेक्ट आप स्पोर्ट्स को देख सकते हैं और इसके अलावा किसी भी इंटरनेट डाटा का उपयोग नहीं करते हुए सारी सामग्री को बिना किसी बफरिंग के स्ट्रीम करना है। मतलब कि अब देखिए क्या होता है कि जहां पे इंटरनेट का कनेक्शन खराब रहता है, जहां पे कवरेज अच्छा नहीं रहता है, वहां पे सिग्नल अच्छा नहीं रहता है, जब कभी आप इंटरनेट के थ्रू मान लीजिए मैच ही देखना चाहते हैं या कोई समाचार सुनना चाहते हैं तो आप नहीं देखते हैं, वहां पे रुकने लगता है, बफरिंग होने लगता है, कुछ देर चलता है फिर रुकता है, कुछ देर चलता है फिर रुकता है, तो उस तरह से आपको बहुत डिस्टर्बेंस फील होती है और आप पूरी तरह से अच्छे से नहीं देख पाते हैं, ना समाचार देख पाते हैं और ना ही कोई क्रिकेट मैच वगैरह देख पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा ये जो टेक्नोलॉजी है D2M, एकदम डायरेक्ट आपके फोन के ऊपर आएगा, उसमें कोई बफरिंग नहीं होगी, एकदम आप उसको प्ले करेंगे और बिल्कुल क्लियर चलेगा एकदम कोई बिना बफरिंग के, और इसमें आपका कोई भी इंटरनेट का डेटा खर्च नहीं होगा, आपको इंटरनेट यूज करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो यही है D2M टेक्नोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं और क्या होने वाला है इसके अंदर। अब देखिए यह तकनीकी ग्रामीण क्षेत्र को लोगों के लिए जिनके पास जैसे लिमिटेड इंटरनेट बहुत 1 GB या 0.5 GB यूज करते हैं या किसी लोग के पास इंटरनेट का है ही नहीं, देहात में टावर ही नहीं है उनके पास, तो उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है लेकिन वो वीडियो वगैरह नहीं देख पाते हैं, अगर समाचार भी नहीं सुन पाते हैं, है ना, तो इस प्रॉब्लम को भी ये टेक्नोलॉजी जो है सॉल्व करेगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पे जैसे कि अभी सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, हर तरफ से वीडियो कुछ ना कुछ आते रहता है, अनऑथेंटिकेट पब्लिक के तरफ से भी कोई फालतू का फेक न्यूज वगैरह इस तरह का चला दिया जाता है, अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये न्यूज सही है या नहीं है, तो इस तरह से इस पे भी कंट्रोल होगा कि प्रसार भारती जो आपके मोबाइल के ऊपर जो कुछ भी न्यूज भेजेगा तो वो न्यूज ऑथेंटिक होगी, वो सच्चा न्यूज होगा, तो आपको भी अवेयरनेस रहेगा कि हाँ ये जो भी न्यूज है ये सही न्यूज है या गलत न्यूज है। ऐसे अभी क्या है कि बहुत सारे सोशल मीडिया हैं और हर तरफ से कुछ ना कुछ गलत फेक तरह का न्यूज भी आते रहता है, तो इससे भी आदमी डिस्टर्ब होता है कि भाई ये न्यूज सही है या नहीं है, लेकिन एक जब ऑथेंटिकेट देश का जो आपका प्रसार भारती है वो अगर कोई न्यूज को पब्लिश करेगा तो वो पूरा ऑथेंटिकेट होगा और ऑथेंटिकेटेड होगा तभी न्यूज वो प्रसारित होगा, तो इसके ऊपर भी कंट्रोल आएगा। तो इसका यह भी एक फायदा है। दूसरा है कि इसके मोबाइल का जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसको सही से इस्तेमाल होगा और उसका जो बैंडविड्थ है वो फ्री हो जाएगा, और जिसके चलते क्या होगा कि कॉल ड्रॉप्स, जैसे आप कहीं फोन लगाते हैं कॉल ड्रॉप हो जाता है या डेटा का बहुत सारे लोगों को स्पीड नहीं मिल पाता है, इसलिए कि मोबाइल नेटवर्क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, जितने भी देश के अंदर टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं वो सारी के सारी कंपनियों के ऊपर लोड मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ा हुआ है, मोबाइल डेटा के ऊपर बढ़ा हुआ है, मोबाइल कॉल के ऊपर बढ़ा हुआ है, तो इस कॉल को इस वीडियो को डाइवर्ट कर दिया जाए, ब्रॉडकास्ट कर दिया जाए एक दूसरे चैनल पे जिसको
आप जो प्रसार भारती सोच रहा है, जो प्रसार भारती करना चाह रहा है, डायरेक्ट टू मोबाइल कर दिया जाए, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग पे ला दिया जाए, तो बहुत सारे क्या होंगे कि वीडियोस जो होंगे अपलोड हो जाएंगे, उस तरफ चले जाएंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो है वो सही से यूज होगा और फ्री मिलेगा बैंडविड्थ वगैरह, और इससे क्या होगा कि कॉल ड्रॉप की समस्या जो है, स्पीड नहीं मिलना, ये सारी चीजों में सुधार होगी। चलिए आगे देखते हैं और क्या हो सकता है इसके अंदर। अब आप बताइए ये सारी चीजें कैसे संभव होगी। तो ये सारी चीजें जो भी है, ये डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग का संभव करने के लिए ये सैटेलाइट का मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि सैटेलाइट से ही आज जो भी आप देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग, जो भी टीवी चैनल है, वो सारे कहां से चलते हैं, सैटेलाइट के हेल्प से ही चलते हैं, सैटेलाइट से ही आता है आपके घर तक टीवी में सिग्नल। तो इसी तरह से अभी इसके लिए सैटेलाइट ही लाया जाएगा, और सैटेलाइट के हेल्प से बहुत सारे सैटेलाइट लगाने पड़ेंगे जो कि डायरेक्ट यूजर के मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे एकदम डायरेक्ट वहां पे ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। लेकिन एक चीज है कि इसमें पूरी तरह से ये प्रसार भारती फ्री तो नहीं देगा, कुछ चीजें फ्री होंगी, लेकिन कुछ चीजों के लिए आपको लिमिटेड कुछ मतलब अमाउंट पे करना होगा, पूरी की पूरी चीजें तो फ्री नहीं दे सकता है, लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन जो होगा वो बिल्कुल एक कम होगा, जहां पे आपको इंटरनेट डेटा खरीदने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, उसके कंपैरिजन में इसका जो सब्सक्रिप्शन होगा वो काफी कम होगा, और वहां पे आप बहुत सारे वीडियोज और बहुत सारे न्यूज और स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं, और आप क्रिकेट मैच का लुत्फ भी बहुत आसानी से देहात रिमोट एरिया में भी उठा सकते हैं। तो ये सारी फायदा होने वाला है ये D2M टेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये D2M टेक्नोलॉजी क्या है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये बहुत जल्दी ही इम्प्लीमेंट करने वाला है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। देश की जो सबसे बड़ी संस्था IIT कानपुर है, उसके साथ मिलकर के प्रसार भारती इसको लॉन्च करने के लिए एकदम आगे आ चुका है, और इसके लिए सारी मोबाइल कंपनियों को भी वो एक जगह पे इकट्ठा करके, और इस चीज पे फैसला बहुत जल्दी होगा, और आपके सामने आपके मोबाइल में ये बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी नया टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके। और अगर आपको कोई भी सवाल है या कंफ्यूजन है, तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके मोबाइल के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो हमारे चैनल के ऊपर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अब हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।